फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियोस में हम रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट, नेगेटिव कॉन्सेप्ट और इसके बाद फेरेट थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, एल्जेब्रिक थ्योरम समझा दी थी। और इसके बाद दो वीडियोस भी बनाई थी मैंने, जो कि आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की थी उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो आज मैं एक और छोटा सा रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का थ्योरम जो रह गया है आपको बताने जा रही हूँ। वो देखिए, अब वो क्या है, देखिए, रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट, जब पावर्स वाला क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, a टू दी पावर कुछ भी होती है n प्लस b टू दी पावर n या a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, इसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है और आपसे पूछा जाता है फाइंड द रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक कैसे है कि आप देखते ही आंसर निकाल दें, वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। और इसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके लास्ट ईयर एसएससी वगैरह में आ चुके हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक बने रहिए और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ वीडियो। क्योंकि ये एप्टीट्यूड चल रहा है, इसमें आप कोई भी वीडियो मिस करके नहीं देख सकते। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो भी नहीं समझ सकते। तो मेरी वीडियो को जब से नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूअस देखिए, नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है और आई थिंक ये इसकी 8th या 9th वीडियो होगी, शुरू से आप देखते जाइए तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले आपके पास दो कंडीशन होती है, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर n + 3 की पावर n। अब इसको मैं माइनस में भी ले सकती हूँ, 2 की पावर n - 3 की पावर n को डिवाइड किया जाता है 13 से, बताइए रिमाइंडर क्या है। अब इसमें n क्या है, n हमेशा एक तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है। और अब मैं यहाँ बताइए, ये जो n पावर है ये इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, जैसे 2 की पावर 5 भी हो सकती है +3 की पावर 5 या फिर 2 की पावर 6 + 3 की पावर 6। तो सबसे पहले हम कंडीशन ऑड के लिए करेंगे। सबसे पहले समझिए, अभी आपको नहीं माइंड में हो सकता है, नहीं आ रहा हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, जो मैं बता रही हूँ वो समझिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा और आप करोगे हाँ इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने देखे हैं और हम नहीं कर पाते थे, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद 100% वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल कम टाइम में। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ और पावर की भी बात करूंगी, इसके बाद मैं बात करूंगी इवन पावर की, सिर्फ और पावर। अभी आप देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, अभी आपको नहीं पता मैं क्या कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, सिर्फ देखिए। अब आपसे क्या होगा, ये जो a टू दी पावर n और b टू दी पावर n है, ठीक है, n इज एनी ऑड नंबर, नेचुरल ऑड नंबर, सिर्फ हम यहाँ ऑड की बात कर रहे हैं, बाद में ही लेंगे। तो वो या तो a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा या a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो वो a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा या a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे मैंने आपको बोला 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो जो नंबर है 2 जिस पर पावर लगी है 2 + 3 = 5, वो 5 से डिविजिबल होगा या 3 - 2 अगर हम उन दोनों का डिफरेंस निकालें 1 या फिर उससे डिविजिबल होगा। ये देखिए आप, ये क्या होता है, 1 के लिए तो नहीं है, 1 से तो सभी हैं, ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, फॉर ऑड पावर में फॉर n की वैल्यू आप 1 लीजिए, जब आप n की वैल्यू 1 लोगे तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 यानी सिंपल क्या आ जाएगा, a प्लस b। अब इसके बाद दूसरा ऑड नंबर आप लीजिए फॉर n इज इक्वल टू 3, तो n 3 के लिए a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम फॉर n की पावर 5 ले लें, लेकिन वो आपने नहीं पढ़ा होगा 3 के बाद, तो आज मैं आपको कहूंगी फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, देखिए जब भी आपकी यहाँ पावर ऑड हो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला बनाने का तरीका a प्लस बी तो हर में आएगा ही, आप एज इट इज लिख, ये फॉर्मूला कहां से आया देखिए। इसके बाद एक पावर कम, यहां पावर कितनी है 3, एक पावर कम लिखिए, यहां से लिखिए, कम कम लिखते जाइए और इधर रिवर्स साइड से लिखिए b, और इसकी भी एक पावर कम से इधर से स्टार्ट कीजिए, इसकी इधर से स्टार्ट की थी a स्क्वायर a, इसकी इधर से स्टार्ट कीजिए b स्क्वायर b
और बी की पावर जीरो, और साइन लगाइए ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आ गया ना ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होके। अच्छा मैं आपको, आप सोच रहे तो हमें पता ही है, चलिए आप फोर एंड फाइव से कर लीजिए, फोर एंड फाइव से कर लीजिए आप, ये हमारा है। तो मैंने क्या कहा, ए प्लस बी तो आपको हमें लिखना ही है, इसके बाद एक पावर कम, तो यहाँ ए फोर ए थ्री, आप बोलते जाइए मेरे साथ साथ, ए स्क्वायर ए वन और ए जीरो। अच्छा यहाँ ए की पावर जीरो, यहाँ एक अंक है ए की पावर जीरो, किसी की पावर होगी उसका मतलब वन हो जाएगा ना, समझते हो ना इतना। तो अब बी, बी का उल्टा लिखिए, बी पावर दोनों की फाइव है तो एक कम शुरू करेंगे, फोर थ्री स्क्वायर वन बी की पावर जीरो, जीरो मतलब वन हो जाता है, जीरो कुछ भी नहीं होता, किसी की पावर जीरो हो जाए तो ए प्लस बी का ए प्लस बी, प्लस यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, ठीक है। अब इसके बाद ए फोर माइनस लिख दीजिए ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी फोर। अब आप सब में एक चीज कॉमन देखिए, इसमें भी ए प्लस बी आ रहा है, इसमें भी ए प्लस बी आ रहा है, और वन की पावर तो हो ही गया ए प्लस बी, तो यानी कि ये हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, कहीं भी ए माइनस बी नहीं आ रहा तो इससे डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा मेरे दो नंबर है, कोई भी दो नंबर की पावर चढ़ी हुई है और वो हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगी, ए माइनस बी से, कोई भी दो पावर है, पावर हमेशा सेम होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कोई पावर एक की थ्री हो गई और एक की फाइव तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। कोई भी नंबर्स है उनकी ऑड पावर है दोनों की सेम, और बीच में लगा है प्लस का साइन, तो वो हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, यानी उसका रिमाइंडर ए प्लस बी से डिविजिबल होगा तो जीरो आएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ आ गया, मैं इसका जब एग्जांपल दूंगी ना तब आपको अच्छे से समझ आएगा, अभी बस आप इतना सोचिए आपको फॉर्मूला बनाना समझ आ गया ना, ठीक है। तो उसमें से कॉमन जो फैक्टर आ रहा है उससे डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं लेकिन इसके पीछे माइनस साइन आएगा तो क्या होगा, ये वाला भी केस ले लेते हैं, ए एन माइनस बी एन, ये वाला भी हम केस ले लेते हैं, तो एन इज इक्वल टू वन के लिए तो ए माइनस बी हो ही जाएगा, ठीक है। अब फॉर एन इज इक्वल टू थ्री के लिए, यानी ए एन ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट। अच्छा अब एन इज इक्वल टू फाइव के लिए निकालिए, बस प्रूफ करने के लिए, ए फाइव माइनस बी फाइव, इसके लिए आप जब निकालोगे तो आपका क्या आएगा, यहां ए माइनस बी तो एज इट इज लिख ही देना है, इसके बाद सेम ट्रिक लगाइए, मैंने क्या कहा था एक पावर कम से शुरू कीजिए, पावर फाइव है, ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो, और इधर बी से लास्ट से बी फोर बी थ्री। कितने लोगों को ये पहले से पता था, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताइए, और इसमें कोई झंझट ही नहीं है, इसमें सब में प्लस का साइन लगता है बीच में, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, ए फोर प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी फोर, ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब आप इसमें एक चीज क्या कॉमन देख रहे हो, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, यानी कि ये डिविजिबल नहीं होगा ए प्लस बी से ए माइनस बी से, कहने की बात अगर आपकी दोनों सेम ऑड पावर लगी हुई है और उसके बीच में माइनस साइन आ रहा है तो वो हमेशा डिविजिबल होगा ए माइनस बी से, यानी आपसे रिमाइंडर पूछे तो आपको फटाफट से निकाल लेना है ए माइनस बी। किस टाइप से क्वेश्चन करेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, इतनी बात आपको समझ पहले आ जानी चाहिए। अगर दोनों के बीच में ए प्लस बी, देखिए ये मैंने आपको निकाल के इसलिए बता दिया, अगर आप डायरेक्ट रखते हमेशा कंफ्यूजन रहता, हमेशा कंफ्यूजन रहता ए प्लस बी था इसमें ए माइनस बी, इसलिए मैंने आपको निकाल के जब भी कोई चीज बताओ ना वो कभी नहीं भूलता इंसान, हमेशा ध्यान रहेगा आपको दो
और पावर्स के बीच में प्लस का साइन है, तो ए प्लस बीस का मल्टीपल होगा, और ए एन माइनस बी है, यानी दो और पावर्स के बीच में माइनस का साइन है, तो ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब चलते हैं इवन पावर्स की तरफ। एन इज इक्वल टू टू से स्टार्ट होगी फॉर एन इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पर ए एन प्लस बी एन एन इज इक्वल टू टू के लिए लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बताइए, इसका आगे कोई सॉल्यूशन है? इसका आगे फ्रेंड्स कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आप देख रहे हैं, चाहे आप ए फोर प्लस बी फोर कर लीजिए, तो ये इसका ना तो ए प्लस बी फैक्टर है ना ए माइनस बी, तो यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके कट ही नहीं सकते ये ना, तो अगर पावर इवन है और बीच में प्लस का साइन है तो ना तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी वो सॉल्व भी नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखिए, वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम चलते हैं ए एन माइनस बी एन की तरफ, और इसमें n इज इक्वल टू रखी है तो ये सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एलजेब्रिक a प्लस बी ए माइनस, लेकिन अब हम इसमें और रखेंगे n फोर रखेंगे फॉर n टू फॉर n फोर, तो ये a फोर माइनस बी फोर, ये तो सबको आपको सॉल्व करना आता है, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए फोर ए माइनस का यही होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर, ऐसे ही निकाल देते ना, ये तो सबको आता है एलजेब्रा में, सबने पढ़ रखा है, सिक्स सेवन क्लास से सबने पढ़ रखा है, ए की पावर फोर ए की ऐसे बनाते थे ना, ए की पावर टू का स्क्वायर माइनस बी की पावर टू का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते थे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही मैंने लिखा है। फिर आप ऐसे हम आगे और भी पुट कर सकते हैं, तो आप एक चीज देखना, एक चीज आप क्या देखोगे, इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी कॉमन, इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी दोनों फैक्टर आ रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब ये जो ए एन माइनस बी एन है इसके दोनों ही फैक्टर होंगे, ये देखिए यहाँ से ही रख देती हूँ, ये माइनस है, ये भी ये इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका फैक्टर, यानी क्वेश्चन में हमसे आए अगर दो इवन पावर है बीच में माइनस का साइन लग रहा तो हम इसके ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हैं दोनों नंबर्स को प्लस करके और माइनस करके भी। एक्चुअल में अब आपको समझ आएगा, अब मैं एग्जांपल्स का देती हूँ कैसे, देखिए अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए ये दो नंबर है बीच में माइनस का साइन है, दो नंबर है बीच में माइनस का साइन है और पावर कौन सी है इवन, तो हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है, जब भी दो नंबर होते हैं और उसमें बीच का साइन होता है माइनस का और पावर इवन है तो वो ए प्लस बी का भी फैक्टर होता है ए माइनस बी का भी फैक्टर होता है। अब आपको आएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको डिवाइड कर रहा है 500 से तो फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, तो ये देखिए अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी टू प्लस टू फोर्टी थ्री, ये आपका हो जाएगा 500, यानी 500 को जब भी डिवाइड करेंगे 500 से तो रिमाइंडर आपका आएगा जीरो, रिमाइंडर इज जीरो, यानी ऑप्शन में जीरो होगा उसको आपको टिक डायरेक्ट ऐसे आते हैं, ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं इतना बड़ा, इसलिए मैंने आइडेंटिटी बताई थी। अब आप यहाँ पर देखिए ये दो नंबर है बीच में प्लस का साइन है और पावर ऑड है, पावर ऑड है तो हमने फैक्टर क्या निकाला था इसका, हमने फैक्टर निकाला था ए प्लस बी इज अ फैक्टर, याद करिए पावर ऑड, तो 67 प्लस 35 इसका कुछ भी हो सकता था, आप इसके अकॉर्डिंग देखते, ठीक है हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, सपोज अगर यह डिवाइड बाय 14 हो जाता 500 की जगह तो हम माइनस करते, माइनस करो आप कितना आएगा 14 आ जाएगा, डिवाइड रिमाइंडर इज जीरो, तो इसको हम दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं इवन वाले को, पावर माइनस है प्लस में तो झंझट ही नहीं, प्लस तो आएगा ही नहीं, सॉल्व हो ही नहीं सकता, और इसको इवन में केवल ए प्लस बीस का, अब इसका आगे 100, अब इसका आगे 100 तो 100 भी तो फैक्टर है 25 का, 25 फोर जा 100, तो अगर ये 100 से डिवाइड है 25 से तो हो गई ना उसके फैक्टर से डिवाइड, भाई इसमें तोड़ लो 100, फोर से भी डिवाइड होगा 25 से भी, इसमें तोड़ लो जितनी जरूरत होती है, तो रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर इज जीरो, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है। तो देखते हैं एग्जाम में एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चन देखता है इस पर, अब देखिए एग्जैक्टली आपके कंपटीशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे आपको परफेक्ट समझ आएगा। ऐसे इफ n इज इवन देन 6n की पावर -n इज डिविजिबल बाय
ऐसे आपको फोर ऑप्शन दे दिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, ये एक नंबर, बीच में माइनस का साइन। अच्छा हम ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैं पावर सेम करनी, वन की पावर कुछ भी हो, वन ही मतलब होता है तो हम लगा दें। और एन क्या है, ऑड, सॉरी एन क्या है, इवन, इवन है, बीच में माइनस का साइन। एक केस मैंने आपको बताया था, पावर्स दोनों सेम इवन पावर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो उसके फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसके फैक्टर 6-1 जो कि 5 और 6+1 जो कि आपका है 7, ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। अब आप ऑप्शन पर जाइए, 6 कहीं भी इनमें से आ रहा है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल। 30 इससे कहीं बन रहा है, नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल। 35 इससे हमारा बनना है, हाँ बन रहा है। 5 × 7 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 35। कोई ऐसा नंबर जो 5 से भी डिविजिबल, इसका मतलब ये होता है 5 इसका फैक्टर, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा, ये वाला नंबर आपका 7 से भी डिविजिबल होगा। तो आपने डिविजिबिलिटी जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें करा था ना, दोनों को प्राइम है तो उनका मल्टीपल भी डिविजिबल होगा। आप ऐसी तोड़ देते ना, किसी नंबर को 99 से डिविजिबल करना है तो आप क्या करते थे, 11 से और 9, दोनों से है तो 99 से भी होगा। तो जो नंबर 5 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, दोनों को प्राइम नंबर है, तो वो 35 से भी डिविजिबल होगा ना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है, इजी कैलकुलेशन से ट्रिकी हो जाते हैं। अच्छा अभी वाला देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर, ये दो नंबर है, इनकी पावर पहले देखिए, इनकी भी इवन है और 259 से डिवाइड। तो अब आपने देख लिया पावर आपकी इवन है, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो यानी दोनों फैक्टर इसके हो सकते हैं, यानी 341 ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब आप उसको इसमें प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 497 और ये आ जाएगा आपका 185। अब ये तो डिवाइड नहीं है, 259 से फैक्टर नहीं आ रहा, लेकिन हम इसे ब्रेक करके देखते हैं, क्या पता है सी के अंदर छिपा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। देखिए ये क्लियर है, देखिए 49 आ रहा है, ऐसे देखिए 49 मतलब इसका कहीं 7 छिपा है, तो जरा 7 से करके देखना, 7 × कितने का 71, ऐसे देखिए 7। अच्छा अभी 185 है तो इसमें कहीं ना कहीं 5 छिपा है, 5 का किसका मल्टीप्लाई करें, ये 37 है, बस ये फैक्टर हो गए। अच्छा अब इसमें कहीं 259 बनना है, दोनों से मिला के देखिए कहीं 259 बनना है आपका, हाँ देखिए अगर हम 77 जो 49 पीछे 9 आ रहा है इससे करके, तो यानी ये देखिए एक नंबर मैंने इधर का लिया, एक नंबर इधर का, ऐसे भी फैक्टर हो सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 7 × 37 कितना होता है। आप पकड़े पीछे 9 देखिए, अब 9 कहीं आ रहा है तो 7 × 49 यस, तो मतलब ये पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी इसका ऑप्शन क्या आ गया, सी। समझ आया आपको, देखिए ऐसे भी आपके आते हैं, अगर आपको कोई फैक्टर नहीं बनना, बड़ा सा कोई नंबर है तो आप उसको तोड़ के देखिए, और ये देखिए एक इसमें से मिला एक इसमें से, ऐसे भी ये आ सकता है, ये आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा वहीं पर। समझ गए ना, 497 को आप तोड़िए और इसको तोड़िए, फिर आप देखिए सेव कहीं पेयर बनना है जब पीछे 9 आ रहा, 7 × 49 जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं बन गया। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर आपको निकालना है जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 37 से डिविजिबल। तो सबसे पहले से एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, आप सब समझ गए होंगे, पावर इवन है लेकिन बीच में माइनस का साइन नहीं लग रहा, जो उसके फैक्टर हो सके, बीच में किसका साइन लग रहा है, प्लस का साइन। लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चन तो पूछ लिया है और ऑप्शन भी दे रखे हैं, मतलब आंसर भी आना है, तो इसे कैसे सॉल्व करें। भाई क्वेश्चन आंसर आना है तो मतलब आप उसी फॉर्म में बना लीजिए जिस फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हो, आपको क्वेश्चन बनाना भी पड़ सकता है क्वेश्चन से आंसर। कैसे, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो 35, ये तो बात एक ही रहेगी ना, ऐसे सभी लिखना जानते हैं, आप बोल रहे हो यस मैम जानते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी ये बन गया 5 × 25 की पावर 35। देखिए बनाना पड़ता है कभी कभी, फॉर्म आप ऑड की पावर बना लीजिए, प्लस में इवन पावर का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऑड पावर का तो हो सकता है, तो इसमें इवन नहीं है तो ऑड पावर आप बनाइए। अब ये बन गया, अब ये बीच पावर ऑड हो गई और प्लस का साइन हो गया, यानी ए प्लस बी का फैक्टर होगा, यानी इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 25 + 49 यानी ये आपका आ जाएगा 70। अब आप ऑप्शन में देखिए 74 को, अच्छा हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
37 टू जा, ठीक है डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अब आपसे लिख रहा है इसमें इस 37 से डिवाइड हो रहा है, हाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका जीरो आ जाएगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, 74 से ये है, 74 से पूरा डिविजिबल है, तो उसके फैक्टर और करिए, यानी 37 से भी ये पूरा डिविजिबल होगा, 2 से भी ये पूरा डिविजिबल होगा। फैक्टर मतलब यही होता है, ऐसे आपको निकालनी पड़ती है। इसका मेन चीज क्या आती है, ये तो आप कर ही लोगे, ये अभी तक करते ही आ रहे हो, पहले भी आप फॉर्म बना चुके हो। मेन चीज इसमें क्या आती है, पावर को भी ऑड बनाना है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, इवन में नहीं कर सकते, लेकिन आप क्वेश्चन है तो ऑड में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1 less than 49 की पावर 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझिए, ये आपसे क्या कह रहा है, जब हम 49 की पावर 15 में से 1 लेस कर देंगे तो ये किससे इनमें से डिवाइड होगा, ये इनमें से किससे डिवाइड होगा भाई, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर 49 की पावर 15 है, तो यहाँ पर 1 की पावर भी 15, क्योंकि मैं पावर सेम चाहिए लिख सकते हैं, कोई लॉस नहीं है, 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही होता है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए पावर ऑड है और माइनस, यानी a माइनस b का फैक्टर होगा, पावर ऑड है और बीच में माइनस का साइन है, समझाया था, तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, यानी 48 इसका फैक्टर होगा, तो 48 तो कोई आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ हम इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, ऑप्शन में 8 है, 8 6 48, तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका फैक्टर। ऐसे करके छिपे हुए फैक्टर को हमें निकालना पड़ता है, छिपे हुए फैक्टर को निकालना पड़ता है, कभी पावर भी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैं इतने क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ ना कुछ आपका कवर होता जाएगा, ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन बता रही हूँ, इससे बाद शायद ही आपको नहीं। 12 की पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 13, तो n क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए इसको ऐसे लिखिए ये, ठीक है, n आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, कोई भी ऑड इंटीजर, कोई भी। अब ये देखिए जो 13 है इससे डिविजिबल ये कैसे बनना है, 12 प्लस 1, भाई 12 प्लस 1 से 13 बनना है, और a प्लस b किसका फैक्टर होता है, जब पावर ऑड आपकी होती है बीच में प्लस का साइन होता है, जब कोई भी ऑड पावर हो, सेम कोई भी सेम आपकी ऑड पावर हो बीच में प्लस का साइन हो, तो a प्लस b इसका फैक्टर हो जाता है, यानी यहाँ पर कोई भी ऑड पावर हो जाए, कोई भी ऑड पावर आए, आप हमेशा कैसे करोगे, 12 प्लस 1 13, इट इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, ऐसे आप लिखोगे, तो यहाँ पर कोई भी ऑड पावर हो जाए, यानी n क्या होना चाहिए, कोई भी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड नंबर, तो हम किस पर टिक कर देंगे। ये तो बहुत इजी था, आपको समझ खुद ही कर लिया होगा, आप सोचोगे इवन तो हो नहीं सकता क्योंकि यह प्लस का साइन है, ठीक है, 12 भी दूर कीजिए, आप सोचोगे 1 रखने पर, भाई यहाँ केवल 1 रखने पर आ गया मैं मानती हूँ, लेकिन कोई और भी नंबर लोगे, अगर आपको देता 12 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, तो आप भी ऐसे देखते हैं ना, बीच में प्लस का साइन है, इधर ऑड पावर है, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, यानी कोई भी ऑड पावर के लिए आप 12 प्लस 1 करते हैं, उसका a प्लस b फैक्टर, इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसका आंसर होगा एनी ऑड इंटीजर। 7 की पावर 6 एन माइनस 6 की पावर 6 एन, एन एक इंटीजर है और एन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, वो इनमें से किससे डिविजिबल होगा, वो इनमें से किससे डिविजिबल होगा, देखिए कैसे 7 की पावर 6 है और माइनस 6 की पावर 6 है, ये मैंने आपको, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी बस मुझे इतना बता दो, लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अपने आप सोचना पड़ेगा। 7 की पावर क्यूब जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 343 की पावर 2n माइनस, और 6 का क्यूब होता है 216 की पावर 2n, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम बचपन से करते आए हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ n की कोई भी वैल्यू रखो 0 से बड़ी, n की हमेशा इवन पावर आएगी क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, आप रख के देखो, आप 0 से बड़ा 1 रखोगे तो स्क्वायर स्क्वायर, आप 2 1 के बाद 2 रखोगे तो आएगी इवन, आप 3 रखो तो 2 3 6 2 3 6, ठीक है, तो n की हमेशा आपको इवन पावर ही आपको मिलेगी, ठीक है। अब आप जब भी इवन पावर हो और बीच में माइनस का साइन हो तो दोनों उसके डिविजिबल होते हैं, a प्लस b a माइनस b, यानी हम इसको प्लस b कर सकते हैं और हम इसको माइनस b कर सकते हैं, प्लस करो आप,
तो ये आ गया 559, और इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। अब पूछा है कि किस किस से डिविजिबल होगा, इसके फैक्टर देखो, क्या 127 आ रहा है तो ये 127 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ 559 आ रहा है तो ये 559 से भी डिविजिबल होगा। अब आपके दो ऑप्शन आ गए, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, बोथ बी एंड सी, तो इसका मतलब आपका ऑल ऑफ दिस तो है ही, लेकिन फिर भी हमें 13 नहीं निकालना चाहिए। कैसे 13 है इसमें, तो आप छोड़िए 13 के टेबल में ये तो नहीं जाता, लेकिन क्या ये जा सकता है, जब आप मल्टी इसका डिवाइड करो 13 से तो उसका रिमाइंडर, और क्वेश्चन कितना टाइम्स जाएगा ये 13 4 जा 52, ठीक है, 13 3 जा 39, 13 का 43, ऐसे करके इसके फैक्टर, यानी इसका 13 भी फैक्टर हो गया, तो यानी इसका ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीस, ये हटा दीजिए आप, इसका ऑप्शन क्या हो गया ऑल ऑफ दीस, ऐसे आपको निकालने हैं। वैसे तो 559 127 सोचते ही ऑल ऑफ दीस लगा दीजिए, इसके पास हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने आपको यह पूरा निकाल के दिखाया। तो देखिए टाइप से अगर आप ट्रिक लगा लोगे तो यही आपके बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन, फिर इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मेरी मेल आईडी पे सेंड कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इट इज गिवन दैट 2 की पावर 32 + 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डेफिनेटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। 2 की पावर 32 + 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन हमें पता नहीं है किससे, किसी नंबर से, तो इनमें से आप बताइए सेम नंबर से कौन सा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, सेम नंबर से तो कौन सा डिविजिबल होगा सेम नंबर से, इसमें ये पूछा। तो आप पहले मेरी एक बात देखिए, 2 की पावर 32 + 1 किसी नंबर से डिविजिबल है, अगर इसी का ही फैक्टर आ जाए, इसी का ही फैक्टर आ जाए तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी किसी भी नंबर में अगर ये वाला फैक्टर आ जाए तो आप इनमें से देखिए कि ये किसी फॉर्म में बन सकता है, नहीं, क्योंकि यार 2 की पावर 32 है तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, किसी भी को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अब ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो छोड़ ही दीजिए, ये वाला इसमें भी नहीं आ रहा कुछ 7, ठीक है। आप ये वाला नंबर पर फोकस कीजिए, ये कुछ 32 का लग रहा है, 96 जाता है ना, 32 3 जा 96, ठीक है। तो आप ये वाला उठाइए पहले ऑप्शन, और आप इससे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 32, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए अब ये बन गया 2 की पावर, कोई भी पावर 32, ये जो कॉमन आ रहा है एक्सप्रेशन दोनों में, यानी ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 32 + 1, तो यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब लगाइए, a³ + b³ क्या होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, उसमें a प्लस बी तो आता ही आता है, तो यानी ये इसका फैक्टर आ रहा है, तो हमारा आंसर 2 की पावर 96 + 1 होगा, ये इसका फैक्टर। अगर मेरा वीडियो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको अगर मेरी वीडियो से पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा रिमाइंडर थ्योरम खत्म होता है, इसके बाद आगे मैं आपको नंबर सिस्टम का ही एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।